डरो नहीं आप, डरो नहीं आप, आप जल्दी आ, जल्दी आ जाओ, जाओ जाओ। तो ये हम बंद क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हो तुम लोग, ठीक ठाक हो? मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ अर्सा पहले एक पोल डाला था कि भाई मुझे बताएं कि आप किस तरीके का जो है कंटेंट देखना चाहते हैं। तो काफ़ी मतलब समझे 95% लोगों ने कहा कि भाई आप जो है ना भाभी के साथ वीडियोस बनाया करें, हमें जो है ना फैमिली कंटेंट देख, खैर फैमिली कंटेंट तो मैं वैसे भी बना रहा होता हूँ, बट इट्स लाइक कि भाई हमें देखना है कि भाई आप लोग कुछ चैलेंजेस करें और साथ वीडियोज़ बनाएं। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो आज मैं एक छोटी सी हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। आज की वीडियो में क्या होने लगा है उसका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी से दे देता हूँ। वरीशा अभी तक लारा से नहीं मिली है, मिली है लेकिन बहुत क्लोज इनकाउंटर नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि वरीशा जो है वो लारा से मिलेंगी, जो टाइग्रेस है उसके करीब जाएगी और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं वरीशा का भी रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि वरीशा किस तरीके से रिएक्ट करती है। और खैर मुझे उस पर बहुत भरोसा है, आई नो वो जो है ना वो मतलब वो मेरी तरह ही है, वो मैं मुझे उसका पता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन मुझे लारा का रिएक्शन भी देखना है, कहते हो ना सी के जो टाइग्रेस है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से बिहेव करती है। तो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, तो जुड़े रहे साथ क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल मेरे बराबर बैठे हुए हैं, फैमिली पीछे बैठी है। मैंने भी रिसेंटली पिक्चर भी लगाई थी अंकल के साथ, तो मैंने कहा था भाई अंकल के साथ हम मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि हम कहीं जाएं। तो अंकल क्या सीन है फिर, बंसर रोड का प्लान डन करें फिर? आप और मैं हम लोग बंस रोड जा रहे हैं, खाने वाने खा रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, बाइक भी जरूरी है, बाइक राइड भी जरूरी है। और फर्स्ट टाइम ये है ना कि जैसे कहेंगे फुल व्लॉग के अंदर आ रहा हूँ। यस यस, अच्छा अब चलो आप अंकल आ रहे हैं चूंकि व्लॉग में, अगर मुझे एक बात बताएं, मेरी काफ़ी आवाम ने आपको देखा एक बड़े खूबसूरत से यूनिफॉर्म में और आप इतने हैंडसम लग रहे हैं कि मैं तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, मैं तो किसी गिनती में भी नहीं आ रहा। तो ज़रा बताएं आप PIA में कब से हैं और क्या करते हैं? मैं PIA में तकरीबन 25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए मुझे PIA में। और ऐसे फ्लाइट स्टूअर्ट जॉब मैंने ज्वाइन की थी, अब माशाल्लाह सीनियर मोस्ट कैबिन क्रू। अच्छा, एज ए सीनियर पर्सन जो है ना फ्लाई करता हूँ मैं, अगर दोबारा पैदा होंगे ना तो मैं दोबारा इसी जॉब को हासिल करूंगा, इतनी अच्छी जॉब है। अच्छा हाँ। वैसे अंकल अगर मैं दोबारा पैदा होंगे ना तो मैं पायलट बनूंगा इंशाल्लाह, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूं। चल झूठा, पायलट्स का अप्लाई हुआ है नो डाउट कि उनका भी जो है ना, उनकी तो खैर जॉब बहुत अच्छी है उनकी भी अपनी अपने लिहाज से, लेकिन ये कि इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है आदमी ना मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो बड़ा एक एंजॉय करते हैं आप उस एटमॉस्फेयर को ना। तो भाई अब सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं फार्म पर और जो मैंने सोचा हुआ है कि जो आज करना है वो देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो वरीशा क्या आप एक्साइटेड हैं? कब से मिलने के लिए वो एक्साइटेड लारा से, आई डोंट नो। अच्छा मैंने कहा था ना कि मुझे पता है कि वरीशा का रिएक्शन क्या होगा। चलें भाई फार्म पर मिलते हैं आप। ओ हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हाल है? मुस्कुरा से रही। हाँ तो लारा के पास इजी हो गए ना, मैं लारा के पास लेके चलता हूँ। रुके आप जरा, लारा के बच्चों से मिल लेते हैं। लारा के बच्चे ये रहे, मैं अभी बच्चों से मिलवाता हूँ पहले आपको। आ गया। फर्स्ट टाइम जो है हाँ। क्या हाँ टाइगर कब से मिल रही है यार, इतनी भी यही बोलना चाह रहा हूँ। कैंडी जैसे? कैंडी जैसे लेकिन थोड़ा मतलब कैंडी के पाँव इतने इतने इसके थोड़े बड़े, वैसे मतलब मेरी बिल्ली जैसा ही है। बिल्ली ही है बस साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। अंकल कैसे दिख रहे देखो। अच्छा पता है क्या, क्योंकि ये बच्चे ऑब्वियसली टेम है, इंसानों में बड़े हैं तो कुछ कर नहीं रहे, वरना इस साइज के बच्चे भी काटते हैं। हाँ हाँ आप थर्ड डिग्री डैमेज दे सकते हैं इजीली। हाँ, तो वरीशा हाउ वाज इट? इट वाज नाइस, वेरी गुड। आई विश मैं उनको हाथ में उठा सकती। उठा सकती हो? उठा सकती हूँ लेकिन वही वाली बात है उनके हाथ कीचड़ वाले हो रहे हैं और ड्रेस खराब नहीं होने चाहती है। वुमेन क्या आप तैयार हैं लारा के पास जाने के लिए? क्यों?
यार मैं कभी इतनी बिग कैट के पास, मतलब बब्बर के पास पीछे बैठी थी मैं, उससे ज्यादा मेरा कोई इंटरेक्शन किसी बिल्ली, इतनी बड़ी बिल्ली से नहीं हुआ। चलो आज इस बड़ी बिल्ली से हो जाएगा। प्लस मम्मा भी थोड़ा पैनिक कर रही है। आई नो, आई डोंट थिंक, करते ट्राई करते हैं। माशाल्लाह से वो देखें, सिर्फ उसका मुंह देखें कैसे खा रहा है, सिर्फ लुक एट दैट। उफ, ये आवाज आई। हाँ, ये आपको इसके मुंह के करीब रखनी चाहिए। ये लो ASMR वीडियो नहीं चाहिए भाई, फीचरिंग लियो। तो ये तुम्हें आदी नहीं हो तुम। खैर, तो तुम्हें पता है मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पिंजरे के बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, आई थिंक अभी और जब भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार पिंजरे के बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। यार लारा, क्या कर रही हो तुम? आप जैसे सिखाया था लारा। ये चल लारा को जरा उस तरफ करना जरा। मैं चाहता हूँ आप आए। डरो नहीं, आप डरो, जल्दी आ, जल्दी आ जाओ, जाओ जाओ। तो ये हम बंद क्यों कर रहे हैं? बाहर ना चली जाए ना। मुझे तो देख के उसको खाना ही आ जाएगा। उसका फेस इधर हो। अच्छा इधर तो आए आप। हाँ यहाँ खुल के खड़ी रहो। I am literally in the water. I am in the water. Hello, how are you? I am under the water. आओ अरिशा इधर आओ। यार 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 नहीं, बात सुनो, वो इतना अटैकिंग खाना क्यों हो रहा है? सो आई थिंक इससे ज्यादा करीब मैं और नहीं जाना चाहूंगी। क्यों? फाइनली इतना क्लोज एनकाउंटर मैंने करवा दिया और फर्स्ट टाइम आप इतने क्लोज आई हैं और उसको मैं खाते हुए देख रही हूं। हां, कैपेबिलिटी का पता चल रहा है। आपको टाइगर का ASMR सुनाऊं मैं? नहीं नहीं छोड़ने। हां ये इसको मैं पसंद आ गई है ना। मेरे टॉप टांग के लिए आप इसी तरफ रहना प्लीज। अच्छा ओके, बाय वरिशा, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। आई एम गोइंग। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लगता है मैं आपको छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे केज में? वो भी इधर आए, इधर आ, इधर आ। लगा 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 आओ। तो भाई मैं हूँ इस वक्त लारा के साथ, ये रही लारा, ठीक है जी। और आज का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा। वरिशा को मैं इतना क्लोज ले आया कि उसने लारा को हाथ लगा लिया, वो वहाँ खड़ी हुई है एंड आई एम ग्लैड। चलो आहिस्ता आहिस्ता इसने टाइगर को हाथ लगा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवर को भी जो है ना हम। जी जी, उसको छोटा बच्चा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ उसको भी आप अच्छी लगी। हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है। बट आई एम ग्लैड आप डरी नहीं। मैं डर तो नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन मैं सच में अगर थोड़े कंफर्टेबल कपड़ों में, अभी मुझे ये था मेरा दुपट्टा कहीं फंस जाएगा और इस तरह, तो मैं थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूं। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। मैं बाहर आ जाऊं या मैं यहीं रहूं? आप आए बाहर, मैं आ रहा हूं। यार मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करना चाहिए ना उतना ही कम है। वो जो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी बंदी मिली जो कि जानवरों से नहीं डरती है। देखें मैं डर रही थी, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी। हाँ। तो मैं जिस तरह आप उससे मिलते हो उसी तरह मिलना शुरू कर दूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोग कहते हैं अजलान भाई आप जब देखो छिपकलियों में, सांपों में, जानवरों में रहते हैं, तो भाई अल्लाह ताला वो ना जैसे को तैसा मिलता है। तो क्या मतलब नहीं मतलब अच्छा है ना यार, माशाल्लाह बोल देना यार प्लीज़, ठीक है? आई रियली वॉन्ट कि नज़र ना लगे। तो खैर कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत अच्छा था। और उसका जो कप था वो बाय बाय मेरे पाँव पे चढ़ रहा था। हाँ। तो मैं बस आई एम ग्लैड कि मैं उस वक्त पैनिक नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ला रहा थी और यहाँ एक पाँव पे मेरा कप था। अगर मैं उसकी वजह से वो हो जाती तो मैं भागना शुरू कर देती और मेरे पीछे लारा भागने। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा
नहीं होता नहीं ऐसा होने नहीं देता ना यार। मैंने भी बोला भाई अजलान शाह का व्लॉग है, इज्जत तो रखनी पड़ेगी, जरूरी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या कोई चैलेंज वैलेंज हमें करना चाहिए या क्या करना चाहिए। ज्यादातर तो हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह शादी शादी के बाद, बट अभी ये ऑन एंड ऑफ आती रहेंगी फिर जब तक शादी नहीं होती। बट खैर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगा ना इनसे अगली वीडियो में। हाँ सही है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।